आपके लिए सड़क पर उतरी है वो। मैंने देखा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि गांधी परिवार के इन चरागों को, इन जालिम हवाओं के खिलाफ जब लड़ते हुए देखता हूँ, तो मैं कभी कभी देखता हूँ कि राहुल जी और प्रियंका जी निकल पड़े हैं छत्तीस दोपहरी में 44 डिग्री टेम्परेचर पर हाथरस की बिटिया के परिवार से मिलने के लिए, उसका आंसू पोंछने के लिए पैदल। मैं कभी कभी देखता हूँ कि जब बिजनौर के अनस और सुलेमान के सीनों पर सीधे गोलियां मारी गई, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक नेता था तो उसका नाम प्रियंका गांधी था, जो आकर के उनकी माँ के आंसू पोंछने का काम करती है। बाकी किसी नेता की हिम्मत नहीं करती। भैया बैठे रहते हैं ट्वीट करने के लिए, बहन जी कहाँ रहती है पता ही नहीं चलता। कोई निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रियंका गांधी जी निकलती है। मैंने देखा है इन्हें, मैं इसलिए इनकी वकालत करते हुए यहाँ खड़ा हूँ। चांदपुर वालों, बिजनौर वालों, मैंने देखा है कि 300 से ज्यादा उत्तेजित और अराजक सांसदों के बीच में पार्लियामेंट में खड़े होकर के किसानों को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत करते हुए राहुल गांधी जी को, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। मेरे खड़े होने का मतलब है, मैंने देखा है प्रियंका जी और राहुल जी को हिंदू से, मुसलमान से, जात से, मजहब से, धर्म से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ते हुए, इंसानियत की बात करते हुए। मैंने देखा है प्रियंका जी को डीएमडी के टोल प्लाजा पर जब एक हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता को पुलिस ने लाठियां मारी, तो अपनी गाड़ी से कूद करके आपने उठा लिया उस कार्यकर्ता को और सीधे आदरणीय प्रियंका जी को बुला लिया। मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली के साथ यहाँ मौजूद एक एक शख्स हाथ उठा करके अपनी नेता का इस्तकबाल करे, ऐसे कमजोर ताली नहीं बल्कि जोरदार ताली के साथ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपके बीच में आ रही हैं, जी भर के सुनिए। मेरा ख्याल है पहली बार आपके बीच आई होंगी और उम्मीद करता हूँ इतना सम्मान दीजिए कि वो बार बार आए। आदरणीय प्रियंका गांधी, बड़ी बड़ी बातें हुई,
करोड़ों रोजगार की बातें हुई, आपको आगे बढ़ाने की बात हुई, छोटे व्यापारी को आगे बढ़ाने की बात हुई, तमाम निर्णय लिए गए। उसके बाद अगला चुनाव आया। अगले चुनाव में जहां जहां गए मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे, आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना बढ़ाएंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो यह है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का, दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का, कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में संसद भवन जो है उसके सुंदरीकरण के लिए बहुत बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है, वो इंडिया गेट को, दिस इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाए के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नियत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने, जो गन्ने की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने। अब जैसे कि आपके ऊपर काफी संकट नहीं थे, इस सरकार ने 3 नए कानून जारी किए हैं और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपके कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप उनको वापस क्यों नहीं लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? क्या आपकी समझ इस देश के करोड़ों किसानों की समझ से ज्यादा है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी भलाई के लिए क्या है क्या नहीं है? फिर सरकार कहती है शायद समझ नहीं पाए हैं कि कानून क्या है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं यहां आई हूं
आपको बता देती हूँ कि ये तीन कानून क्या है। देखिए 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाया, क्योंकि जमाखोरी के चलते किसान पिस रहा। आज जो पहला कानून बना है उससे इस सरकार ने जमाखोरी करने का की पूरी अनुमति दे दी है। इस कानून के जरिए बड़े बड़े खरबपति, बड़े बड़े उद्योगपति कितना भी आपसे सामान खरीद सकते हैं और कितना भी सामान जमा कर सकते हैं। कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी तरह से मनमर्जी चलेगी। जब वो जमा करना चाहेंगे करेंगे, जब वो आपको कहना चाहेंगे कि आप खरीद नहीं सकते तो कहेंगे, जब आपको कहना चाहेंगे आप ये काम नहीं मिलेगा, आज हम आपको कम दाम देंगे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पहला कानून है इससे जमाखोरी बढ़ेगी और पूरी तरह से सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमाखोरी करने की अनुमति। दूसरा कानून ये है कि जिसको प्राइवेट मंडी खोलनी है वो खोल सकता है और बड़े बड़े खरबपतियों की बड़ी बड़ी मंडियां खुलेंगी। तो शुरू में से मैं तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी मंडियां लगा रहे हैं, बना रहे हैं ये लोग। लेकिन इसमें क्या कहा है सरकार ने कि जो सरकारी मंडी है उसमें आपसे टैक्स लिया जाएगा और जो प्राइवेट मंडी है उसमें आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा, तमाम किसान प्राइवेट मंडी में जाएंगे, जैसे प्राइवेट मंडी में जाएंगे सरकारी मंडियां बंद होना शुरू होंगी। लेकिन सरकारी मंडी में एक चीज थी जो आपको मिलती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको मिलता था। जैसे जैसे प्राइवेट मंडियां आगे बढ़ेंगी और सरकार की मंडियां बंद होगी आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। इसके जरिए भी जो बड़े बड़े खरबपति उद्योगपति हैं फिर से अपनी मनमर्जी कर पाएंगे, मंडी उनकी है, दाम वो तय करेंगे, कितना खरीदना है, कब खरीदना है वो तय करेंगे। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके पे किसानी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बड़ा खरबपति आ सकता है आपके गांव में और आपको कह सकता है कि देखिए आप 10-15 किसान हो, आपके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, आप गन्ना उगाइए और इस गन्ने के लिए मैं आपको 500 रुपए दूंगा। आपने मेहनत की, गन्ना उगाया, समय आया गन्ना बेचने का, आप उस खरबपति के पास गए, आपने उनसे कहा कि 500 रुपए में आपने कहा था आप खरीदेंगे, तो ये बिल्कुल उसकी मर्जी है कि आपको कह रहे कि नहीं हमें तो अभी गन्ने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें किसने कहा 500 का खरीदेंगे, हम 200 देते हैं दे दो, फिर आप क्या करोगे। सबसे जो बड़ा जुर्म है इस कानून में वो ये है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है खरबपति के साथ, आपने गन्ना उगा दिया, आपके साथ उन्होंने तय भी किया था कि दाम पे देंगे, अब वो कहता है कि भैया हमें जरूरत नहीं है, आप जाओ कहीं और बेच दो अपना, तो आप अदालत में भी नहीं जा पाएंगे, आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसा कानून बनाया है कि कोई कानून ही लागू नहीं होगा इनसे। और आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ उस कानून में लिखा है कि आपको अगर सुनवाई करानी है SDM तक जा सकते हैं, उनसे बड़ा एक अफसर है उनके पास जा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ खरबपति, एक तरफ आप, क्या होगा, न्याय मिलेगा आपको? तो ये कानून जो बनाए हैं तीनों कानून किसान के लिए नहीं बनाए गए, ये इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। और ये देश अंधा नहीं है, देख रहा है 7 सालों से क्या हो रहा है इस देश में। देश
दो तीन जनों को बिक रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्र सारी मीडिया चलाते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव चलते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो, 75 सालों में जितना भी सरकार ने काम किया, बेरोजगारी को हटाने के लिए भी जो बड़े बड़े उद्योग बने सब बेच डाले, और जो अब तक बिके नहीं है उनको बेचने की भी योजना कर डाले। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार आपके लिए क्या करेगी, और अगर अभी भी आपको इससे उम्मीद है तो जरा गहराई से सोचिए कि आपके लिए कुछ करने नहीं आ रहे हैं। आज भी जब लाखों किसान इनके दरवाजे पे खड़े हैं, तो वही प्रधानमंत्री जो अमरीका जा सकते हैं, ट्रंप साहब के चुनाव में उनके लिए बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जो चीन जा सकते हैं, जो पाकिस्तान जा सकते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। सबने देखा और सबने टीवी पे देखा, कभी कहीं उनका स्वागत हो रहा है, कभी कहीं। और बताइए, अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर 3 लाख किसानों से जो वहां पे धरना मार रहे हैं, जो सिर्फ आपसे ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे आकर बात करिए, हमारी बात सुनिए, आप 2-3 किलोमीटर अपने घर से दूर उनके पास नहीं जा पाए, आप दुनिया घूम सके, बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं किए अपने लिए आपने, लेकिन आप उन किसानों की सुनवाई करने के लिए नहीं जा पाए। उल्टा क्या किया आपने, संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया, उन्हीं किसानों को आपने एक नया नाम दिया आंदोलनजीवी, परिजीवी। परिजीवी होता क्या है आप सब जानते हैं, सब किसान आपका अपमान किया, भरे संसद में हंसते हुए आपका अपमान किया। तो 2000 जो 215 किसान शहीद हुए हैं, उनमें से 25 साल का लड़का, मैं कुछ ही दिनों पहले रामपुर गई उसके अंतिम अरदास में, इतना दुख हुआ मैं क्या बताऊं उस परिवार से मिलकर, एक 25 साल का बच्चा, उस परिवार को लगता है कि उसे गोली मार दी गई, वह शहीद हुआ। उसकी मां मेरे पास बैठी थी पूरे समय, कुछ बोली नहीं, आंखों में आंसू थे, और आप संसद में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, आप परिजीवी कह रहे हैं, आपके मंत्री देशद्रोही कह रहे हैं, इसका मतलब है आप पहचान नहीं पाए, मोदी जी पहचान नहीं पाए कि देशभक्त और देशद्रोह में फर्क क्या है। किसी ने भी देशभक्त शांतिपूर्वक आंदोलन में 80 दिनों से हर समस्या को झेलते हुए सड़क पर बैठकर शांति से आपसे मांग सकता है कि अपना अधिकार मिले उसे, सिर्फ ही देशभक्त कर सकता है, आप पहचान नहीं पाए। आपने मजाक उड़ाया, कल परसों हरियाणा के कृषि मंत्री का एक वीडियो निकला, हंस हंस के बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, 215 लोग मर गए, तो क्या हुआ, तो घर में बैठे बैठे भी मर जाते और हंस रहे हैं। देखिए, मैं शहीद के परिवार की बेटी हूं, शहादत बहुत बड़ी चीज होती है, शहादत को झेलने वाला जो शहीद है वो नहीं होता, उसका परिवार होता है। उस दुख को दिल में रखता है जीवन भर, उसका मजाक उड़ाने का किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, जो अपने अधिकार के लिए शहीद हुआ है वो पाप होता है, और उसे उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी, जो किसान आपके दरवाजे पे खड़ा है,
उनका बेटा आपकी सीमा पे खड़ा है, जिस किसान का अपमान कर रहे हैं उसका बेटा आपकी सीमा पे आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपके अंगरक्षक उसी किसान के बेटे हैं। अपमान करने का कोई हक नहीं है आपको। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो कानून बने हैं जिससे इस देश का किसान, इस देश का गरीब संकट में है, रो रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है, उसे आप वापस लीजिए। इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए, जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनको अपमानित मत कीजिए। देखिए, जिसको सत्ता मिल जाती है दो तरह के नेता होते हैं। कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको बहुत अहंकार हो जाता है, वो भूल जाते हैं कि सत्ता देने वाला कौन है। इस देश के इतिहास में बार बार हुआ है कि ऐसा नेता जब अहंकार में आ जाता है तो देशवासी उसको सबक सिखाते हैं। और जब देशवासी उसको सबक सिखाते हैं तब वो शर्मिंदा होता है, वो समझता है कि उसका धर्म क्या था। लोगों को बांटने का धर्म नहीं था, लोगों पर संकट डालने का धर्म नहीं था। उसका धर्म यही था कि वो जनता के लिए काम करे, जनता का विकास कराए, सर्वप्रथम जनता को रखे और अपने आप को पीछे रखे। ये उम्मीद की जा सकती है कि नहीं कि अहंकारी सरकार अपनी माया में से निकले और इन्हें समझ में आए कि इनका धर्म क्या है? मुझे नहीं लगता। 7 साल गुजर चुके हैं, 7 साल में जितने वादे किए सारे तोड़े, 7 साल में जो छोटा व्यापारी था उसकी कमर तोड़ी, किसान उसकी कमर तोड़ी, गरीब उसको मदद नहीं किया, सिर्फ अपने बड़े बड़े दोस्तों, अपने पूंजीपति मित्रों का की मदद की। तो अब मुझे नहीं लगता कि उम्मीद है कि आपके लिए ये काम करेगी, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, इस देश की जनता पर भरोसा है और आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहेगा। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, मेरे भाई राहुल गांधी जी आपके साथ हैं, जिन्होंने संसद में किसानों की बात की, जिन्होंने संसद में कहा कि 2 मिनट मौन आप किसान के लिए रखिए जो शहीद हुआ है। और जितने भी सरकारी नेता थे, जो सरकार के नेता थे, सब अपनी जगह बैठे रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन विपक्ष का एक एक सांसद खड़ा हुआ और 2 मिनट का मौन उन्होंने रखा। राहुल गांधी आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता आपके साथ है, एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। और मैं आपको आज यहां ये कहने आई हूं कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब जब आप संकट में होंगे मैं आपके पास आऊंगी। और मेरी जान, मेरा धन आप है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि जो 215 किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। Don't let that one back here.